हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की सब्जी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा और 5-7 लहसुन की कलियाँ। मिक्सी में इनका बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ले रही हूँ कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून घी और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जीरा डालेंगे, उसके बाद इसमें मैंने ले लिए कुंदरू, बोलते हैं इनको। तो कुंदरू और परमल में काफ़ी फ़र्क होता है, तो कुंदरू लेने हैं यहाँ पे, लंबे लंबे कट करने हैं और इनको इसमें डालना है घी में और अच्छे से इसे मिक्स करना है। और फ्लेम को यहाँ पे मैं हाई ही रख रही हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे, लगभग 2 मिनट तक कंटिन्यू इसी तरीके से इन्हें उलट पलट के हम यहाँ फ्राई करेंगे। कुंदरू बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमारे सेहत के लिए, पेट के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो सबको बनाने नहीं आते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको ये सब्जी आज से बहुत पसंद आने लगेगी। फिर इसको कवर करके 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 2 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इन्हें खोलेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें अभी सिर्फ हमने नमक डाला है, नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लिया है। तो यही प्रोसेस आपको करना है और घी में ही इसको बनाना है। बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। सरसों के तेल में आप बेशक बना सकते हैं, अगर आपको सरसों का तेल पसंद है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो सॉफ्ट तो हो चुके हैं, हल्दी और मिर्च भुन जाए तो मीडियम फ्लेम पे इनको इस तरीके से उलट पलट के हमें फ्राई कर लेना है। ये वाला स्टेप आपको जरूर करना है, इससे आपके जो कुंदरू हैं उनमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है भुने हुए का और मैरिनेट हो जाते हैं अच्छे से मसालों में ये। तो कई बार हम सब्जी बनाते हैं तो हमें लगता है कि कुंदरू के अंदर तो कोई स्वाद आया ही नहीं है, जो भी स्वाद है वो ग्रेवी में है, तो इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी है। अब इसको निकाल लेंगे एक थाली में और घी इसमें ही छोड़ देंगे। तो बचे हुए घी में ही मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच घी और फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसको भून लेंगे जीरे को। और जीरे को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज और इन प्याज को आपको तब तक भूनना है जब तक के गोल्डन नहीं हो जाते हैं। जैसे आप सब्जी के लिए भूनते हैं उसी तरीके से आपको प्याज को भूनना है। और फ्लेम को मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल हाई रखा है, प्याज को हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे तो बहुत जल्दी गोल्डन हो जाता है। ये प्याज हमारा अच्छे से आप देख सकते हैं भून चुका है। और अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की प्योरी बना के तैयार की है, ये प्योरी ऐड कर देंगे और इसमें मिक्सी धो के डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि कुंदरू में हम डाल चुके हैं। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डालें क्योंकि हरी मिर्च हमने इसमें ऐड की हुई है। तो जैसा भी आप मिर्च खाते हैं, कम ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से मिर्च ऐड करें। फिर इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से मसाले हमारे भून नहीं जाएंगे। मसाले आपके भूनते हैं अच्छे से जब प्याज भून जाता है, टमाटर भून जाते हैं और सारे मसाले भून जाते हैं, तो क्या होता है इसमें ऑयल जो है, घी ऑयल जो भी यूज कर रहे हैं वो अलग से दिखाई देने लगता है। इसका मतलब है अब आपके मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, बहुत ही क्रीमी मसाले बनके तैयार हुए हैं। अब हमें यहाँ का करना है, जो कुंदरू हमने लिए थे उन्हें अच्छे से फ्राई करके हमने एक थाली में निकाल लिया था, उनको अब इस मसालों में ऐड कर देना है। तो ये कुंदरू की रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। जो कुंदरू कभी नहीं खाता है ना, वो भी इस तरीके से कुंदरू खाएगा और ये रेसिपी उसको भी पसंद जरूर आएगी। ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। हमारे यहाँ पर भी कुंदरू नहीं खाए जाते थे, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं, सबको बहुत पसंद आए हैं। और अब यहाँ पे 2 तरीके की सब्जी बनके तैयार होती है। अगर आप इसको सूखा ही खाना चाहते हैं यानी कि बिना ग्रेवी के बनाना चाहते हैं, तो ऐसे से मिक्स करके मसाले और इनको कवर करके 2 मिनट के लिए फ्लेम पे छोड़ दें। 2 मिनट के अंदर आपकी ड्राई मसालेदार कुंदरू की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो लगभग 1/2 गिलास पानी मैंने इसमें लिया है और थाली जिसमें मैंने कुंदरू निकाले थे उसमें घी भी लगा हुआ था, धो के इसमें ऐड कर दिए हैं, पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि जितनी ग्रेवी आपको चाहिए है उसी हिसाब से पानी आप ऐड करें। तो मैंने इतना पानी ऐड किया है कि कुंदरू के सब्जी के थोड़ा सा ऊपर पानी रहा है। आप 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके कुक कर देंगे। 2 मिनट के अंदर आपकी मसालेदार ग्रेवी की बहुत ही बढ़िया कुंदरू की सब्जी बनके तैयार है। इसके सामने आपको कोई भी सब्जी फीकी लगेगी और अगर नहीं खाया है ना कभी, तो ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, ज़रूर पसंद आएगी आपको कुंदरू की रेसिपी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।